रघु है हम उमंग। हेलो हेलो, क्या हाल है उमंग? बस मजे चल रहा है। केमचो? एकदम फर्स्ट क्लास। तुम अहमदाबाद के हो? हाँ मैं अहमदाबाद का हूँ। और कुछ बताओ उमंग अपने बारे में। बहुत कुछ किया है सर, मारा मारी ये वो। मारा मारी किया है? स्कूल लाइफ में। ओके ऑलराइट। फिर तोड़ फोड़ की है, लगाया मुझे ये वो, बहुत धमाल मस्ती बहुत की है। मेरे को लग रहा है कि इंटरोगेशन हो रहा है यहाँ पे। बोलिए तो पता तूने क्या? हाँ किया मैंने, धमाल किया मैंने, मारपीट की है मैंने, बहुत दंगा मचाया। नहीं नहीं बस ऐसा ही हूँ मैं। तेरे कितने गर्लफ्रेंड्स हैं? 5 गर्लफ्रेंड्स हैं। एक साथ? एक साथ। उनको पता है एक दूसरे के बारे में? नहीं पता है। कैसे बटी 5 लड़कियाँ? तेरे बात करने का स्मूथ स्टाइल से है ना? यस यस। मारपीट के बारे में बात करता है तू उनसे? नहीं 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 नहीं। हमसे बात कर। उनसे कैसे बात करता है, किस बारे में बात करता है? हमसे थोड़ा बात करेगा। स्टार्टिंग में मैं पढ़ाई की बात करता हूँ, बुक्स लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, थोड़ी फ्रेंडशिप करता हूँ, फिर लवशिप कर लेता हूँ। फिर क्या करता है? लवशिप करता हूँ। लवशिप? यस। पहले फ्रेंडशिप करता है फिर लवशिप करता है। हाँ और वही जाता है, सक्सेस हो ही जाता है। हाँ मैं जानता हूँ हो रहा है भाई, स्टार्ट आदमी है तू, बट क्या बोलता है तू? सीधा बन जाता हूँ लड़की के आगे जाके, थोड़ी बहुत हेल्प भी करता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं खींचता, जस्ट 2 या 3 महीना, 2 या 3 महीना, फिर यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो? यस। ये जो लड़कियों की तरफ आपका नजरिया है ना, इतना घटिया कि मैं क्या बताऊं। सीरियसली मैंने बहुत बड़े बड़े पजामे देखे, पता तू जैसा भी देख रहा हूं मैं इस वक्त। सबसे वाइल्डेस्ट चीज, क्रेजीस्ट थिंग आपने क्या कहा? एवरी टाइम आई गर्ल्स विदाउट कॉन्डम। यस। आपको बचपन में किसी ने लगाई है आपकी? नहीं। लग रहा है मुझे। क्या नाम था उसका पता ना? एक था या एक से ज्यादा? सर ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कैसे नहीं है? मेरे शक्ल से लग रहा है तेरे को यूज करके कहां थ्रो किया। मैंने कहा पॉसिबल कैसे नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्यों तेरे पास नहीं है? है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? पॉसिबल तो है लेकिन जा रहा। अच्छा मुझे पता क्यों पता कि इसको कोई लड़की मिलती नहीं है। कैसे पता? हाथ दिखाइए अपने। देख इसके हाथों के लकीरें तक मिट चुकी हैं। ये लगा तो तेरे पास एक भी लड़की नहीं है। अच्छा एक बात समझ ले। हाँ तू अपने आप को स्टार्ट समझ रहा है ना? जो हूँ मेरी किताब में ऐसे लोग स्टार्ट होते हैं, समझे? जो हूँ वो हूँ। तू है वही है, वही है तू है। का टोपे के ऊपर बैठा हुआ मक्खी है तू। रस्ते के पे मंडराते हुए मच्छर के पसीने के तेल में तला हुआ भजिया है तू। समझ गया? क्या समझाओ? तू जो है वही है तू, समझ गया? मुझे पता है मैं क्या चीज हूँ। काम कर, मुझे भी पता है तू क्या चीज है। ये तेरा फॉर्म है, बत्ती मैं बना चुका हूँ, अपनी के ले और भाग जाए यहाँ से। गेट आउट। सर ऐसा क्यों? दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। आउट। लेकिन भाग जाए ऐसा। तू सोच रहा होगा बेटे एमटीवी के 2 बड़े लोग बैठे हुए, हम शरीफ होंगे। उतर गए ना हम तेरे लेवल पे, तुझसे बड़े टपोरी हैं हम, समझे? निकल रहा है, मैं निकालूंगा भी उठ के। मैं भाग ना। गेट आउट। बाहर हो जा। अंदर की जरा हालात बताओ क्या हुआ? बस अंदर के हालात थे, थोड़ा सा डरा था, थोड़ा सा। मैं सोच रहा हूँ आई फील कंटेमिनेटेड। जी मेरे रूम में बैठ गया, बोला बहुत कुछ बोला। ऐसा बोलता हूँ ना, सही ढंग से बजाइए। रोडीज बनने की सोची तो कैसे सोच लिया? क्या सोचते हो तुम लोग यार रोडीज के बारे में? कौन सी बात बुरी लगी आपकी? यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो किस चीज़ को? लड़की को। इससे पहले मैं आपको गाली दूं, आप यहाँ से चलते बनिए। पप्पू इडियट। जितने भी नीचे आए हैं, जिनके ऑडिशंस हुए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से क्या आपने सीखा? उनके एक्सपीरियंस से सीखा कुछ नहीं है। वो यही बोल रहे हैं कि काफ़ी उनकी लगी और काफ़ी डर लग रहा है उनको वगैरह। तो देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। डर लगा, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू प्योर। गो फॉर इट। हेलो होश सर। हाँ सो क्या हाल है सम्राट? हाँ जी बढ़िया। गुड बिल्कुल। या कुछ बताइए हमें। फिजिकल फिटनेस में मेरी बहुत दिलचस्पी रही है, जैसा कि मैंने फॉर्म में मेंशन किया कि मैं एक स्विमर रहा हूँ, लॉन टेनिस भी खेला, एथलेटिक्स में भी, और माय मॉम इज़ अ योगा टीचर, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हैं। तो मैं मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हूँ। आप इजाज़त दें तो आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। हाँ जी। मेरे पापा बहुत ही इन्फेंट्री में थे और पंजाबी हैं, तो ये बहुत ही गंदा कॉम्बिनेशन है मुझसे, आप फ्रैंकली बोलूँगा मैं, क्योंकि मारपीट भी काफ़ी होती है, काफ़ी बेल्टों वेल्टों से भी मारते हैं। और जब मैं छोटा था तो कुछ कर नहीं सकता था उसके बारे में, क्योंकि नॉट दैट ही वॉजंट फेयर, वो ऐसा बोलते हैं कि बचपन में बहुत ही था हूँ, अभी सुधर गया हूँ मैं, तो खूब मारा करते थे। तो मैंने अभी किस तरह मैं उनको रिवोल्ट करता हूँ, मैं आई वॉन्टेड माई फादर टू रिस्पेक्ट मी, मैं चाहता कि वो मुझे रिस्पेक्ट करें, उनको लगे कि उनका बेटा कुछ है। तो स्विमिंग पूल में चला गया मैं, और 12 घंटे करके मैंने कोई 16.4 किलोमीटर्स कवर किया मैंने। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और लगा रहा डिटर्मिनेशन के साथ, लगा रहा कि दिखाता हूँ। आए दिमाग में मेरे यही था कि अपने बाप को करके दिखाना है मेरे को कि आई एम नो लेस। मेरे पापा ने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, नहीं भाई ये इससे आप ऐसे बेफजूल उसको मार नहीं सकते, अच्छा है इसमें। वेरी गुड, थैंक यू, रिस्पेक्ट, थैंक यू। एक काम करो। हाँ जी। ये चेयर साइड करके बेंड करो, जैसे आप चेयर पे बैठ रहे हो, और थोड़ा बेंड। बता अपने बारे में और कुछ। मैं पंजाब, मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मगर मुंबई में रह रहा हूँ काफ़ी सालों से। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कब से जानते हो? पिछले 2-2.5 साल से। ओके, यू रियली लव हर? आई लव हर लॉट। दर्द हो रही है यार। एक सवाल का और जवाब दे। हाँ जी बिल्कुल। पाई का 7th डेसिमल पॉइंट क्या है? है? पाई 22/7। It's 3.14। आगे क्या होता है? 7 × 7 3.1 3.14 तो पता है। हाँ जी, 2 आ गया उसके आगे, तो 3 डेसिमल पॉइंट्स होगा ना। हाँ। 2 और बता दे चल फिर से बाबा। 7 × चल बढ़िया, कम ऑन, वेल डन। टैलेंट क्या है तेरे में? टैलेंट जैसे कि मैंने स्पोर्ट्स का मेंशन किया, और गाता भी हूँ मैं, और गाता है। गाना का सुना यार। ओके। वो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से, सॉरी, वो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, पेड़ों की शाखों से उतरे थे, फिर कितने मौसम गुजरे वो पत्ते दो बेचारे, फिर उड़ने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे, वो पत्ते दिल 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 थे, वो दिल 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 थे, दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा। थैंक यू। तेरे को हो रहा था दर्द? वेरी नाइस वॉइस। ये सब कैसे तुमने शुरू किया? मेरे फादर ने मुझे एक बार चैलेंज किया कि तुम तो भाई अपना वही चलम चली करते हो, जरा सीख के दिखाओ, हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कितना मुश्किल होता है, तो करके दिखाओगे इसको, है दम। मैं बोला ठीक है, आपको करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा, और कुछ ऐसा काफ़ी था। तो अंदर से इंस्टिंक्ट आती है, म्यूज़िक मतलब अंदर से ही आता है, और कीबोर्ड गिटार पे वही काम करता हूँ। बढ़िया। कितने पुशअप्स कर सकता है तू? करता है नॉर्मली? मैक्सिमम 30 आई गेस। एक काम कर। हाँ जी। 10 कर ले। 10 मगर एक हाथ से। मैंने नहीं होंगे, ठीक है। हाँ? नहीं, I'll कभी पहले नहीं। I believe you said that. Okay, I'll do it. Do 12 now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 more. 1 more. Come on, that's it. Thank you, Samrat. Thank you. Oh yeah. Oh Joe. असली सम्राट नजर आया उन्हें? बिल्कुल आया नजर भाई। लगो। Good brother. We just found us as a roadie. Yeah. मैंने यही सोचा था कि झूठ नहीं बोलूँगा, और जो मैं हूँ वही किया उनके सामने। उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। Look at that passion देख। First thing he said, मैं नहीं कर सकता one hand push-ups. I was like, what? Then he did